ओपन ऑफिस पर थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है, तो ये ओपन ऑफिस है, ठीक है। तो ये सेम डेटा मैं ओपन ऑफिस पे कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये सेम डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो ये हो गया सेम डेटा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है, वो कहानी क्या अलग होती है अभी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस पे बॉर्डर लगाना है तो कैसे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए ये दिया गया बॉर्डर, तो यहाँ से जाकर बॉर्डर लगाएंगे। तो ये बॉर्डर लग गया। ऊपर अगर हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से जाएंगे, ये जो है ना, ये यहाँ से जाकर के जो भी कलर इसमें डालेंगे वो कलर फिल हो जाएगा। तो ये कलर फिल हो गया, लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला जो एक्सेल में लगा रहे थे वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज करें। तो सबसे पहले तो ये हेडर को कॉपी करते हैं और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें बनाना है एक ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा टाइप पे जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी डाटा वैलिडेशन नहीं मिलेगा, तो वैलिडिटी मिलेगा। ये देखिए वैलिडिटी दिख रहा है, ये तो वैलिडिटी पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे ये आएगा। यहाँ पर क्या करना है, सेल रेंज सेलेक्ट करना है। क्या करना है, लिस्ट नहीं करना है, सेल रेंज, ठीक है। सेल रेंज सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, अब यही ना है सेल रेंज, इसको पूरा ले लेते हैं इतना, ठीक है। और लेकर के ओके कर देंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नाम थे वहां वाले वो सारे यहाँ पर भी आने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करना है वीलुकअप का। तो इज इक्वल टू का निशान से कोई भी फॉर्मूला स्प्रेडशीट में शुरू होता है। अंतर यही है कि बस ये ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट है, वो एक्सेल का स्प्रेडशीट था, ठीक है। तो वी लुक अप कर दिया, वी लुक अप हो गया। और वी लुक अप लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन करना है और ये जो जगह है ना यहीं पर हमारा आएगा। तो अब क्या करना है, F4 दबाने से फ्रीज तो होगा नहीं, तो एक एक करके डॉलर लगाना है। तो ये शिफ्ट दबा करके 4 बटन दबा दीजिए, डॉलर लग जाएगा। शिफ्ट दबा करके 4 बटन प्रेस कर दीजिए तो ये डॉलर लग गया। तो यानी कि दोनों को फिक्स कर दिया। तो कौन सा सेल एड्रेस बन गया, एब्सोल्यूट। कौन सा सेल एड्रेस बना, दोनों फिक्स हो गया ना, रो और कॉलम, तो एब्सोल्यूट बन गया। अब क्या करना है, अब यहां पर आना है। देखिएगा जरा, मैं फिर दिखा रहा हूं, इसको हटा देता हूं, ये एक्स्ट्रा आ गया है। अब यहां पर आना है वापिस से और यहीं पर इसी सेल रेंज में हमको ये पता करना है कि हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो इसी सेल रेंज में आएगा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करके क्या करना है, फ्रीज करना है, ठीक है। तो फ्रीज कैसे करेंगे, तो ए को पहले फ्रीज करेंगे, यानी ए के पहले डॉलर लग गया, ठीक है। फिर देखो ये 2 है ना, 2 के पहले भी लग गया। तो ए क्या है, ए रो है कि कॉलम है, ए रो है कि कॉलम है, बोलो, कॉलम है, ठीक है। इसी तरह से ई रो है कि कॉलम है, हाँ कॉलम है, ठीक है। और ये 10 जो है रो है। तो दोनों को फिक्स कर दिया हमने और फिक्स करके यहाँ कॉमा लगाया और कॉमा लगा करके यहाँ पर वापिस से देखते हैं इसमें कॉलम्स का फॉर्मूला मिलता है कि नहीं मिलता है। COLUMNS कॉलम्स का फॉर्मूला है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और पहले हिस्से को फ्रिज करना था, सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी चल रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेम प्रक्रिया प्रोसेस यहाँ पर भी चल रहा है। तो यहाँ पर F4 तो काम करेगा नहीं, तो यहाँ पर एक एक करके यहाँ पे डॉलर लगाइए। ये डॉलर हो गया और यहाँ पर ये डॉलर हो गया, ठीक है। दोनों के पहले डॉलर हमने लगा दिया। अब क्या करना है, इसको बंद करना है, कॉमा देना है और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 देते हैं, तो 0 दे दिया। अब क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ देखिए एक एरर आपको शो होगा। ये एरर क्यों शो हो रहा है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस पहले भी बनाई हैं। यहाँ पर जब जब आप कॉमा लगा रहे हैं तो यहाँ पर कॉमा एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेल में तो कॉमा एक्सेप्ट कर जाता है लेकिन ओपन ऑफिस में कॉमा एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ सेमी कोलन, कॉमा ना लगा करके ये सेमी कोलन, देखिए ऐसा निशान बनाना होगा, ठीक है, तभी एक्सेप्ट करेगा। जहां जहां कॉमा लगा है वहां वहां सेमी कोलन देना होगा। ये सेमी कोलन दे दिया। अब देखिए यहाँ पर भी कॉमा है तो जहां जहां कॉमा होगा वहां सेमी कोलन दे देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये NA वैल्यू आ गई, अब आपका काम हो गया। यानी यहाँ से अगर हम श्वेता पांडे सेलेक्ट कर लेते हैं पहला नेम, तो यहाँ मोबाइल ऑटोमेटिक आ गया, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। और इसको मैं ड्रैग करा देता हूँ तो सारी चीजें अपने आप आ रही हैं, आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर कमाल ड्रॉपडाउन का, यहाँ से ड्रॉपडाउन से कुछ और सेलेक्ट करते हैं, लाइक अनुष्का पांडे सेलेक्ट करते हैं। तो अनुष्का पांडे जैसे सेलेक्ट किया तो अनुष्का पांडे की पूरी डिटेल, इयररिंग आ रहा है और 8 यूनिट इन्होंने सेल किया है, 300 रुपए का सेल किया है और 1 300 का है तो 8 2400 का हो गया। तो देखते हैं अनुष्का पांडे इयररिंग सेल कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे देखते हैं अनुष्का पांडे कहाँ है, ये है, देखिए ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ एक डिफरेंट कलर से ताकि आपको पता लगता रहे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये है ना, तो देखिए यहाँ पे इयररिंग ही है, सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर कॉमा नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये याद रखना, क्या एक्सेप्ट करेगा, सेमी कॉलर, ठीक है ना, समझ में आया।